हेलो एवरीवन, अगर आपने जेईई मेंस 2023 का पेपर दिया है और आप एकेटिव के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटिव के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, फीस क्या है और कट ऑफ क्या है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, और कौन कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेज है जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, उनका कट ऑफ कितना जाता है और उनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, और बात करेंगे कौन कौन से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस कितना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है और उनका कट ऑफ कितना जाता है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फीस के बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आपकी रैंक 5 लाख से ज्यादा है और आप 5 लाख रैंक से 8 लाख रैंक तक के बीच में है और आप चाहते हैं कि नहीं हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक करना है, तो आपको ये वीडियो देख करके आइडिया लग जाएगा कि आप कौन कौन से कॉलेज है जहां से आपकी अगर लो रैंकिंग है तो आप वहां से बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और फिर आपके रैंक के हिसाब से आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग क्या करें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा क्लियर एक आइडिया लग सके कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी रैंकिंग कितनी जाती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना है और कट ऑफ कितना जाता है। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट अभी एकेडमी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको पहले से ही आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से, और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बारे में हम चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे। अभी हम सारे कॉलेज बारे में रिव्यू ले लेते हैं, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, कट ऑफ कितना है और फीस कितना है। तो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज के बारे में और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लाइक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, नित्रा टेक्निकल कैंपस हो गया, AITS कानपुर हो गया, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, अगर बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको कम पैसे में बीटेक करना है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है जहां से आप बीटेक कर सकते हैं और उनका एवरेज पैकेज क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं AKTU के अंडर आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 जो AKTU के अंदर कॉलेज आता है वो है IIT लखनऊ। IIT लखनऊ स्टूडेंट अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, अगर हम कटाप की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 36,150 रैंक तक मिल गया था लास्ट ईयर 4th राउंड में, और जो कंप्यूटर जो इसकी फीस है IIT लखनऊ की वो 89,775 है सारे ब्रांचेज की, लेकिन 104,775 रुपये है उस ब्रांच की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, और CSAIML है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की जो फीस है वो 104,775 है, कंप्यूटर साइंस की भी 104,775 है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इन सब की फीस 89,775 रुपये है ईयरली। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की IIT लखनऊ की, तो IIT लखनऊ का जो प्लेसमेंट है एवरेज प्लेसमेंट आप ये मान सकते हैं 6 लाख पर एनम एवरेज प्लेसमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें क्या 100% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है, और 80% और 85% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, 70 से 80% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि 6 लाख पर एनम है। अगर हम बात करें AKTU के अंदर पहले SBTU भी आता था, MUT भी आता था, लेकिन अभी SBTU और MUT यहाँ पे UP के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ये लोग काउंसलिंग अलग से कराते हैं। SBTU की काउंसलिंग आप जाकर के SBTU के वेबसाइट से कर सकते हैं, MUT की काउंसलिंग MUT की वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पे जो आता है AKTU के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज वो है KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी यानी कि कट ऑफ की अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो ये था 57,291 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। मैंने जो ये डेटा लिया हुआ है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का लिया हुआ है। अगर हम बात करें और ब्रांचेस की तो 1,25,000-1,30,000 रैंक तक भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग KNIT सुल्तानपुर में मिल सकता है, और अगर हम बात करें IIT लखनऊ तो 1 लाख रैंक तक भी आपको मैकेनिकल, सिविल, केमिकल मिल सकता है। इवन अगर हम बात करें स्पॉट राउंड में तो और भी लो रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में। अगर हम बात करें फीस की KNIT सुल्तानपुर की तो 82,000 रुपए है, और प्लेसमेंट जो है 5.5 लाख पर एनम है, 5.5 लाख पर एनम है, यानी कि ईयरली जो पैकेज है एवरेज पैकेज। थर्ड नंबर पे आता है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BIIT झांसी है, और जिसका जो क्लोजिंग रैंक गया था ये 58,715 गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, इतने रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था, जनरल का है। बाकी और अगर आपको देखना है तो IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIIT झांसी पे आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फीस की बुंदेलखंड की, अगर हम फीस की बात करें तो 62,000 रुपये है एक साल की। अगर हम प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट जो है 5 लाख पर एनम बुंदेलखंड BIIT झांसी का प्लेसमेंट है। ये थे टॉप 3 AKTU के गवर्नमेंट कॉलेज
जहाँ से आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं। तो सारे लोग अपने चॉइस में फिल कर सकते हैं, जिनको भी लगता नहीं उनको ये चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अभी और हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बारे में, लेकिन अगर किसी को भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है और अपनी पर्सनल चॉइस फिलिंग करवानी है अपने रैंक के हिसाब से, तो आपके रैंक के हिसाब से आपके बेस्ट चॉइस फिलिंग क्या हो सकती है, वो हमको हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट चॉइस फिलिंग फिल करके आपको दे सकते हैं। उसके लिए आप काउंसलिंग हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ये नंबर जो दिया हुआ है 9634775736 पे कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी फॉर एग्जांपल चॉइस फिलिंग करवानी है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट पहले पे रखना है, प्राइवेट कैसे रखना है, यूनिवर्सिटीज कहाँ पे रखनी है और राजकीय इंजीनियरिंग कहाँ पे रखनी है और कौन सी ब्रांच से आपको बीटेक करना है, उस हिसाब से आप बताएंगे तो आपके हिसाब से पर्सनल चॉइस फिलिंग करके आपको दे दी जाएगी। ये जो भी है ये चार्जेबल है, यहाँ पे आपको अमाउंट बता दिया जाएगा कितनी फीस है, तो आप जितने भी लोगों को काउंसलिंग करवानी है वो काउंसलिंग कर सकते हैं। और जिनको हेल्प चाहिए, बस वो हेल्प लेना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे, वो आइकोनिक या एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जा करके उनकी जो भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर हम बात करें तो जेएसएस नोएडा है। जेएसएस नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेएसएस नोएडा का जो कट ऑफ है वो है 58,851 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीआईटी झांसी की है, बीआईटी झांसी का जो कट ऑफ गया है उसी के अराउंड ये भी गया है और जेएसएस नोएडा का। इसकी फीस की अगर हम बात करें तो 1,37,850 रुपये है एक साल की। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 5.5 से 6 लाख पर एनम मान सकते हैं प्लेसमेंट इनका इतना है। और आप फीस आपने देख लिया 1,37,850 रुपये है। फीस जो है प्राइवेट कॉलेज की आप जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा होती है। एक एक घर की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे प्राइवेट में एक एक घर को लिया है मैंने। और आप देख सकते हैं इसकी जो सीआरएल क्लोजिंग रैंक थी ये ओपन कैटेगरी में 92,222 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। फीस जो है एक एक घर की 1,41,856 रुपये है। प्लेसमेंट इसका 5.2 से 5.5 लाख पर एनम है। टॉप थ्री पे अगर हम बात करें जो प्राइवेट कॉलेज में, तो केआईटी है, केआईटी गाजियाबाद है। केआईटी इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी और वो ये गई थी 95,368 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। ये होम स्टेट के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं, अदर स्टेट के लिए और उन सब के लिए अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। फीस इसकी जो है केआईटी की 1,38,999 रुपये है। प्लेसमेंट इसका जो जाता है वो 5 से 5.2 लाख पर एनम जाता है। अगर हम बात करें कोर ब्रांचेस की लाइक केमिकल और सिविल मैकेनिकल, तो इन सब ब्रांचेज में बहुत ही लो रैंक पे आपको मिल जाता है इन सब कॉलेजेस में, ठीक है। गलगोटिया की अगर हम बात करें, चौथे नंबर पे गलगोटिया है। गलगोटिया की जो फीस है वो 1,15,603 है और प्लेसमेंट की अगर हम बात करें 4.2 से 4.6 लाख पर एनम है गलगोटिया का। पांचवे पे अगर हम बात करें तो एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, एबीएस ईसी, इसका जो क्लोजिंग रैंक गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 1,31,148 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। फीस जो है इसकी 1,33,600 रुपये है। प्लेसमेंट जो है इसका 4.3 से 4.9 लाख पर एनम है एवरेज प्लेसमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से, ये थे टॉप फाइव प्राइवेट कॉलेज मैंने डिस्कस कर दिया और टॉप थ्री गवर्नमेंट कॉलेज भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर बात करें तो ये है एआईटीएच कानपुर, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर 2022 में, ये गई थी 81,298 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। और अगर बात करें फीस की, तो फीस इसकी 76,000 रुपये एक साल की है, 76,000 एक साल की है। और प्लेसमेंट इसका 3.9 से 4.2 लाख पर एनम है। उसके बाद आता है आईईआरटी इलाहाबाद है, इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ये 1,32,208 रैंक तक है। फीस इसकी 71,200 रुपये है और प्लेसमेंट जो इसका है ये 3.2 से 4 लाख पर एनम तक है। और अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं, हम देख लेते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी आईटी, इसमें क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है, इसमें आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 1,29,748 रैंक तक मिल गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो अंबेडकर नगर की फीस है, आरईसी अंबेडकर नगर की जो फीस है वो 68,300 रुपये है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सेकंड नंबर पे आरईसी आता है वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बांदा का सीआरएल ओपनिंग यानी कि क्लोजिंग रैंक है ओपन कैटेगरी का, वो है 1,19,610 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है। और इसकी जो फीस है ये 54,300 रुपये है आरईसी बांदा की।
अब बात कर लेते हैं आरईसी बिजनौर की। अगर हम बात करें आरईसी बिजनौर की, तो आरईसी बिजनौर की 143,697 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, 143,697 रैंक ओपन कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। इसकी जो फीस है एक साल की वो 52,180 रुपये है आरईसी बिजनौर की। अगर हम बात करें आरईसी कन्नौज की, तो आरईसी कन्नौज जो है 151,823 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था और आरईसी कन्नौज की जो फीस है वो 60,000 रुपये। इसमें हॉस्टल की फीस इंक्लूड नहीं है, किसी भी जो भी मैंने फीस डिस्कस किया इसमें हॉस्टल की फीस इंक्लूड नहीं है, ये कॉलेज की फीस है। उसके बाद अगर हम बात करें आरईसी सोनभद्र की, तो आरईसी सोनभद्र 119,326 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। इसकी जो फीस है वो 68,300 रुपये है। अगर हम बात करें आरईसी मैनपुरी, तो आरईसी मैनपुरी में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो 176,290 रैंक तक मिल गया था और आरईसी मैनपुरी की जो फीस है वो 6,06,000 आरईसी मैनपुरी की जो फीस है वो 60,500 रुपये है। ठीक है, अच्छा ये जो आरईसीज हैं, आरईसीज में आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप कम पैसे में बीटेक करना चाहते हैं और आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तो जितनी फीस लगती है उतनी अराउंड आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप यानी कि फ्री में आपकी बीटेक हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद आरईसी आजमगढ़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको आईटी जो मिला था 178,793 रैंक तक मिल गया था जनरल कैटेगरी में। फीस जो है इसकी 63,100 रुपये है आरईसी आजमगढ़ की। तो ये थे जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे जिनका मैंने फीस डिस्कस कर दिया और मैंने कट ऑफ डिस्कस कर दिया। जहाँ पे कंप्यूटर साइंस है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का डिस्कस कर दिया और जहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं है वहाँ पे मैंने आईटी का डिस्कस कर दिया। अगर अब आपके पास क्या हो चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी को आप रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप प्राइवेट कॉलेज को रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता नहीं आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं आरईसीज में जा सकते हैं, लेकिन आरईसीज में आप बहुत ज्यादा प्लेसमेंट की उम्मीद मत लगाइएगा। ठीक है, आपको हाँ ये है कि आप जितनी फीस पेमेंट करेंगे उतनी आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन करके आप कोडिंग वगैरह करके जो भी कंप्यूटर साइंस लेते हैं कोडिंग वगैरह करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आरईसी और कुछ प्राइवेट कॉलेज और टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं उनके कट ऑफ और फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो छठवें नंबर पे 5 मैंने टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज डिस्कस कर दिया था। छठवें नंबर पे जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है गौतम बुद्ध नगर। इसकी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की चौथे राउंड में जो गया था वो है 148,253 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। इसकी जो फीस है 5.5 लाख फॉर 4 ईयर, यानी कि 4 साल की 5.5 लाख है, तो अराउंड आप ये मान सकते हैं कि 1,35,000 के आसपास मान सकते हैं आप कि इतनी फीस है। ठीक है, तो 1,35,38 के हिसाब से आप मान सकते हैं इतनी फीस है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज जैसे जेएसएस नोएडा है, जेएसएस नोएडा के इक्विवेलेंट ही इसकी फीस है 4 साल की। आप देख सकते हैं 4 साल की 5.5 लाख है, तो 1 लाख में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप लखनऊ में बीटेक करना चाहते हैं तो लखनऊ में आपके लिए श्री राम स्वरूप यानी कि एसआरएम हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मैनेजमेंट, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 4th राउंड में 3,90,946 रैंक तक गई थी। इसकी जो फीस है 1 साल की वो है 1,36,610 रुपये है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं 8वें नंबर पे नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 4th राउंड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 2,72,706 रैंक है, यहाँ तक आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। इसकी जो फीस है 1 साल की वो है 1,74,600 रुपये है। उसके बाद आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद है, जिसकी 3,79,509 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। इसकी जो फीस है 1 साल की 1,35,169 रुपये है। उसके बाद है राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, जिसकी क्लोजिंग रैंक है 8,29,711 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यानी कि 8 लाख रैंक तक इसमें एडमिशन हो चुका है कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी होगी तो 10 लाख के ऊपर भी आपको आराम से मिल सकता है। इसकी जो फीस है 1 साल की वो है 1,32,000 रुपये। और उसके बाद है जीएनआईओटी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर, इसकी जो क्लोजिंग रैंक है 7,80,410 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था, और जो इसका फीस है यह है 1,49,400 रुपये। तो ये थे कुछ प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज आरईसीज, और उसके पहले मैंने आपको डिस्कस कर दिया टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज। अब और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है लास्ट ईयर 4th राउंड में 1,22,951 रैंक तक मिल गया था। इसको जो फीस है 4 साल की वो 4,28,512, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा है 1 साल की फीस लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसकी फीस जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद 2nd नंबर पे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली का, जो 1,97,418 रैंक तक लास्ट ईयर मिल गया था।
इसकी जो फीस है 63,680 रुपए पर सेमेस्टर है, ठीक है, 63,680 पर सेमेस्टर है। तीसरे नंबर पे ये है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है, और जो 2,02,735 रैंक तक मिल गया था, इसकी जो फीस है एक साल की 85,000 रुपए है। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज में, DDU यूनिवर्सिटी है गोरखपुर का, जो 2,41,750 रैंक तक लास्ट ईयर मिल गया था, और इसकी जो फीस है 1,00,000 रुपए है एक साल की। उसके बाद है पांचवें नंबर पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद है। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला, बहुत ही कम प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं, प्राइवेट में आपको लगता है तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, ये आपके ऊपर। इसके बाद है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद है, इसकी जो CRL ओपनिंग 2,49,049 रैंक तक मिल गया था, और इसकी जो फीस है 65,000 है एक साल की। उसके बाद है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है लखनऊ का, जिसका 3,15,102 रैंक तक मिल गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसकी जो फीस है एक साल की 1,00,000 रुपए है। उसके बाद है सातवें नंबर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, जो 3,74,679 रैंक तक मिल गया था, जिसकी फीस है 85,000 रुपए एक साल की। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में आता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का, जो 4,39,433 रैंक तक मिल गया था, और फीस इसकी जो है 65,000 रुपये एक साल की। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस SCRIET है मीरत की, जो 5,33,122 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था, और जिसकी फीस है 85,000 रुपये। इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का, जो 6,81,083 रैंक तक है और मिल गया था कंप्यूटर साइंस, यानी कि 7,00,000 रैंक तक भी तो आपको मिल सकता है यूनिवर्सिटीज में, आपको एडमिशन मिल सकता है, और 8,00,000-10,00,000 रैंक तक आपको प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। फीस जो है इसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 75,000 रुपए है एक साल की। अब स्टूडेंट ये हो गया यूनिवर्सिटीज, अब डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे आप बीटेक कर सकते हैं। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट एकेडमी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलता रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में वन बाई वन गवर्नमेंट कॉलेज के रिव्यू करेंगे, प्राइवेट कॉलेज का रिव्यू करेंगे, एक एक कॉलेज के बारे में रिव्यू करते हुए आपको वीडियोज मिलती रहेगी। और जैसे ही बीटेक की काउंसलिंग स्टार्ट होती है एकेडमी की, उससे उस पर भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, तो यह है नित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद, जो लास्ट ईयर 5,31,615 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था, और जिसकी फीस है 86,000 रुपए एक साल की। उसके बाद है UPTTI कानपुर, यहां पे आपको टेक्सटाइल है, यहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है, सिर्फ टेक्सटाइल है, और यह 6,07,616 रैंक तक मिल गया था, और जिसकी फीस है 77,000 रुपए। उसके बाद है IIT भदोई, यहाँ पे आपको कार्बेट ब्रांच में बीटेक करने को मिलेगा, इसके जो क्लोजिंग रैंक गई थी ये 6,25,206 रैंक तक गया था, और इसकी जो फीस है 55,000 रुपए है। उसके बाद IIST जो हैंडलूम का है वाराणसी का, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, हैंडलूम का है, तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 4,76,088 रैंक तक है, और इसका जो फीस है 19,500 रुपए सिर्फ फीस है इसकी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे सारे AKTU के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज और सारी यूनिवर्सिटीज, सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे हैं, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, और कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज जैसे नित्रा टेक्निकल कैंपस हो गया, इन सब के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। और वीडियोस में आपको अगर कोई क्वेरीज है, आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पे वीडियो आता रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।